अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग नाज़रीन, सुबह बखैर। मैं हूं आपकी होस्ट सबाहत इकबाल और लाई हूं आपके लिए आपका शो जिसका नाम है सितारों के अहवाल। नए दिन नए सुबह के साथ बड़े ही पिंक पिंक बन के आ गई हूं मैं आपके सामने। तबीयत काफ़ी से इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है आज, लेकिन कोई मसला नहीं है। अगर मोटिवेशन ये हो कि सामने वाले के दिन को अच्छा बनाना है, जैसे हमारी कोशिश रहती है कि आपको बताएं कि आज आपके सितारों के हाल कैसे रहेंगे, उसी नियत के साथ आपके सामने हूं। आज हमारे साथ मौजूद है हमारे एस्ट्रोलॉजर जेमोलॉजर हर रोज़ की तरह अली तबस्सुम साहब जी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का बहुत करम है, परवरदिगार का बहुत बहुत शुक्र है सबाहत के अल्लाह ने तंदुरुस्ती सेहत के साथ ज़िंदगी अता कर रखी है। बिल्कुल जी, कलर्स का आपकी ज़िंदगी पे काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट होता है। अगर आप कोई भी और कलर्स पे आज बात करूँगी, क्योंकि स्टोन्स के भी कलर्स होते हैं, तमाम चीज़ें काफ़ी नेमत है। काफ़ी दफ़ा मैंने कॉलर्स ने अगर उनको कॉल की तो इनसे सुना है कि जी तबीयत अगर आपने अपनी बहाल करनी है तो हरियाली के इर्द गिर्द रहें। आपके सितारों के बारे में भी बात होगी और उसको इंटरलिंक करेंगे कलर्स के साथ। आज वक्त ज़ाया किए बिना चलते हैं और जानते हैं कि कौन है आज स्टार ऑफ द डे। जी वेल, दुआ होती है रोज़ दिल की गहराइयों से कि तमाम स्टार की पोजीशन अच्छी हो, तमाम बहन भाइयों के अल्लाह ताला कामों में आसानी पैदा करे। स्टार की पोजीशन हम देखते हैं मरकरी, जिसे मतारुत बुर्ज सुमला कहते हैं। वेल, अगर हम यहाँ पर इनके जायचे की पोजीशन देखते हैं तो इनका लक हाउस इस वक्त बहुत अच्छा बन रहा है। नेक्स्ट 3 to 5 मंथ बहुत इंपॉर्टेंट है वर्गोस के लिए। इसमें प्लान कर सकते हैं ट्रैवलिंग करना, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से कोई भी स्पेसिफिक अगर ये कुछ प्रॉपर्टी का बिजनेस करना चाहें तो डेफिनेटली इसमें इनको आगे अच्छे अपॉर्चुनिटी और मिलते रहेंगे। एंड ऑफ दिस ईयर तक ये वो कामयाबी हासिल कर लेंगे जिनकी इन्होंने शुरू में ही 2017 के जनवरी से ही प्लान कर रखी थी। अच्छे साइन इनको सपोर्ट कर सकते हैं, खासतौर पर अर्थ साइन पर्सनैलिटी जिसमें टॉरस एंड कैप्रिकॉन से इनको काफ़ी फायदा होगा। येलो कलर की चीज़ों का सदका देना हर किस्म की नजरेबद और बंदिश से इनको सेफ रखेगा। येलो सफायर, येलो अकीक या फिर गोल्डन टोपास, तीनों में से कोई भी एक स्टोन वेयर करना इनके लिए फिजिकली तौर पे ये स्टोन इनको एक्टिव रखेगा, स्पिरिचुअल पावर प्रोवाइड करेगा, हर किस्म की बैड एस्पेक्ट से, नजरेबद से, हिडन हैंड से सेफ रखेगा। आपने इनके लिए बताया गोल्डन कलर या फिर येलो, तो इनके सितारे के हिसाब से येलो ही निकलता होगा। Exactly. तो आप रीजन बताएं कि इनका क्यों येलो है। वेल, मरकरी का इसमें जो कलर्स होता है सितारे का, उसमें येलो शेड ज्यादा होते हैं, तो यकीन जब आप पर कुछ प्रॉब्लम आ रही हो या कोई नजरेबद का सामना करना पड़ रहा हो तो उस वक्त येलो कलर का सदका देना। और वैसे भी इनका जो येलो कलर का स्टोन होता है वो फिजिकली तौर पे इनको एक तो एक्टिव रखता है, फिर बैड एस्पेक्ट्स से सेफ रखता है। और कई लोग ऐसे होते हैं उनको येलो कलर थोड़ा सा डल कर देता है, जैसे मुझे बिल्कुल येलो कलर अच्छा नहीं लगता, मतलब एग्जाम होती है ना येलोस की, तो ये क्यों है? नहीं, येलो कलर अब जरूरी नहीं कि अगर आपको अच्छा नहीं लगता हाँ, तो ये मतलब ये अलग अलग लोगों पे अलग अलग इसका इम्पैक्ट होगा ऑफ कोर्स। एग्जैक्टली, डेफिनेटली, अब इसमें क्योंकि हर स्टार का एक लकी कलर होता है, लकी दिन होता है, लकी टाइमिंग होती है, लकी स्टोन होता है, तो यकीन कलर भी जब उस सैारे से रिलेटेड आपका वो लकी कलर है तो डेफिनेटली वो आपको फिजिकली तौर पे एनर्जेटिक रखता है और वो आपकी पावर, माइंड पावर बढ़ाता है, आपकी स्ट्रेंथ में इजाफा करता है। ठीक है जी, कॉलर है हमारे साथ, अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर। वालेकुम सलाम, कैसी हैं सपाहर? बिल्कुल ठीक ठाक, आपकी दुआएं, मतलब इतनी ठीक नहीं हूँ लेकिन इतनी आपकी दुआएं हैं कि आपके सामने आके बैठे हैं आज। कौन और कहाँ से बात कर रही हैं? मैं कराची से बात कर रही हूँ। आपका नाम? आयशा खान। आयशा खान जी, आयशा क्या पूछना चाहेंगी आप? मैं अपने बारे में पूछना चाह रही हूँ, एक तो ये 3-4 महीने से ना, एक तो मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब रह रही है। अच्छा अच्छा। और सेकंड ये कि मेरा पॉलर है तो उसमें ना कोई काम अच्छे से नहीं हो रहा। पहले तो बहुत अच्छा हो रहा था 2016 तक, लेकिन अब ना बहुत डाउन हो गया है, बिल्कुल ही मतलब कि ना होने के बराबर है। ठीक है, आप अपनी वालदा का नाम बताइए और अपनी डेट ऑफ बर्थ। वालदा का नाम यास्मीन है। यास्मीन ठीक है, और आपकी डेट ऑफ बर्थ? 8 अप्रैल 1991। और कुछ पूछना चाहेंगे आप? हाँ, मेरा लकी स्टोन और लकी नंबर भी बता दें। चलें ठीक है, आपको जो है प्रॉपर आपका जायचा बताते हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर कॉलिंग। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़ जी। आयशा बाई नेम एंड बाई बर्थ शी इज़ एरीज, जिसे मुरीक बुर्ज हमल कहते हैं। इनका जोडिक साइन मार्स, लकी नंबर इनका 9 एंड ट्यूजडे इनका लकी डे। अगर हम एरीज की पोजीशन देखते हैं, वेल इनका सेकंड हाउस अच्छा बन रहा है, इनका 7th हाउस, अनफॉर्चुनेटली 6th हाउस की पोजीशन थोड़ा सा डिसबैलेंस है। नेचुरली तौर पर कुछ नहुसत के स्टार के असरात की वजह से कुछ ऐसे हिडन हैंड प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, कुछ ऐसे बेडाइज प्रॉब्लम का सामना इसमें आयशा मेरी बहन आपको करना पड़ रहा है, जिससे फिजिकली तौर पर आप इस वक्त डिस्टर्ब हैं। जो भी इस वक्त डिजीज का शिकार है, जो भी इस वक्त माइंडली तौर पर डिस्टर्ब है, ये सिचुएशन आपके साथ जून तक रहेगी, लेकिन जून के बाद की टाइमिंग आपके लिए अच्छी बन रही है।
उस वक्त आपका सिक्स हाउस भी नेचुरली तौर पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। लेकिन उससे पहले अगर आप कंटिन्यूसली रेड चीज़ का सदका देती हैं, लाइक जिसमें कोई भी मसूर की दाल, रेड लोबिया या कोई भी बड़ा गोश्त या कोई कपड़ा, वेजिटेबल, फल वगैरह, तो इससे भी काफ़ी आपको रिलीफ मिलेगा। कॉरल एंड लेपिस दोनों में से कोई भी एक स्टोन वेयर करना आपके लिए बहुत मुबारक रहेगा। कंटिन्यूसली सूर्य वल असर, सूर्य कुरेश, सूर्य फलक की तिलावत करना आपके लिए बहुत मुबारक होगा और बायसे बरकत होगा। ठीक है जनाब, और जब बात हो रही है नजरे बद की, पता नहीं लोग किसी की खुशी में क्यों खुश नहीं रहते, तो आज जानते हैं कि कौन सा ऐसा सितारा है जिसके ज्यादा मोहतात रहने की जरूरत है या उसकी जो पोजीशन है हाउस की वो थोड़ी सी वीक है। जी एक्वेरियस के लिए, कैप्रिकॉर्न के लिए, स्कॉर्पियो को बहुत थोड़ा मोहतात रहना होगा। कोई बड़ा ट्रैवलिंग करना भी इनके लिए मैं समझता हूँ कि मुनासिब नहीं होगा। कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट मत करें, अगर कोई भी कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट करने का इरादा है तो फिर जून के बाद कर सकते हैं। कोई बड़ा सफ़र करना चाहते हैं तो डेफिनेटली फिर जून, जुलाई, अगस्त के महीने एक्वेरियस के लिए, कैप्रिकॉर्न के लिए, स्कॉर्पियो के लिए अच्छे वो टाइमिंग इनके लिए बेस्ट होगी। ज़्यादा से ज़्यादा एक्वेरियस वाइट चीज़ का सदका देते रहें, स्कॉर्पियो येलो कलर की चीज़ का सदका देने के लिए बहुत मुबारक रहेगा। कैप्रिकॉर्न इन ब्लैक चीज़ का सदका दे तो इंशाल्लाह फिजिकली तौर पे बैड आइज प्रॉब्लम से, नज़रें बस से, बंदिश आज से सेफ रहेंगे। जब आपकी स्टार की पोजीशन थोड़ा सा डिसबैलेंस हो या आपके ऐसे पर्सनल विशेस, ऐसे मामला जो कि आप जिनके लिए आपने प्लान कर रखा होता है सडन, जिसमें आप कामयाब भी चाह रहे होते हैं, या जो भी आपकी कुछ ऐसी पर्सनल विशेस होती है जिसके लिए आप बहुत ज़्यादा वरीड होते हैं, कॉन्शियस होते हैं कि वो जल्द से जल्द आपको उस चीज़ में कामयाबी मिल जाए, लेकिन नेचुरली तौर पर बाज़ुकात आपकी प्लैनेटरी पोजिशन इंडिकेशन कुछ इशारा दे रही होती है जायचे में कि वो टाइमिंग आपके लिए अच्छी नहीं बन रही होती, तो आपको वेट करना, सब्र करना आपके लिए अच्छा साबित होता है। प्लस आप ज़्यादा से ज़्यादा सदका खैरात करते रहें, इंशाल्लाह आपकी कामयाबियां आपके रास्तों में अल्लाह ताला आसानी पैदा करेगा। तो ऐसा करते हैं, इन्हीं के हॉरोस्कोप से स्टार्ट करते हैं, पहले कैप्रिकॉर्न से स्टार्ट कर देते हैं। आज के जो तीन हैं उनको हम ब्रीफली बताते जाएं, फिर उसके बाद नॉर्मल हॉरोस्कोप की तरफ आ जाएं। आवेल कैप्रिकॉर्न, आज हम जोहर बुर्ज जद्दी कहते हैं, इनका जोडिक साइन सैटर्न, लकी नंबर इनका 6 है, एंड सैटर्डे इनका लकी डे। थोड़ा सा लक हाउस इस वक्त इनका वीक है, वेट करना होगा, जून जुलाई के महीने कैप्रिकॉर्न के लिए अच्छे बन रहे हैं। उस वक्त जो भी ये प्लान कर रहे होंगे कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट का, प्रॉपर्टी का, क्लॉथ का, फूड आइटम में कोई भी स्क्रैप का अगर ये बिजनेस करना चाहेंगे तो उसमें इनको बड़ी तेज़ी से कामयाबियाँ मिलेंगी। उस वक्त इनको कुछ ऐसे स्पोर्ट स्टार की स्पोर्टिंग भी मिलती रहेगी जिसमें खासतौर पर वर्गो एंड टॉरस से इनको काफ़ी फ़ायदा होगा। ब्लू सफ़ायर वेयर कर सकते हैं, ब्लैक चीज़ों का सदका देने के लिए बहुत मुबारक रहेगा। सूर्य वाकया, सूर्य मुजम्मिल एंड सूर्य रहमान की तिलावत करना इस वक्त कंटिन्यूसली कैप्रिकॉर्न के लिए अच्छा साबित होगा। इसके बाद हम आते हैं एक्वेरियस जिसे हम जोहल बुर्ज दिलो कहते हैं। वेल इनकी प्लैनेटरी पोजीशन भी थोड़ा सा इस वक्त इनका 7th हाउस वीक है, इनका 10th हाउस वीक है। जो भी इस वक्त इनकी पर्सनल विशेस है जिनके लिए बहुत ज़्यादा ये हार्ड वर्किंग कर रहे हैं, इस वक्त इनको एडवाइस लेकर चलना इनके लिए अच्छा साबित होगा। खास तौर पर अगर ये वाटर साइन एंड एयर साइन जिसमें पाइसिस एंड जेमिनाइस अगर ये एडवाइस लेकर चलते हैं तो इंशाल्लाह इनके मामलात अच्छे बनते रहेंगे। ये भी सफ़ेद चीज़ का सदका दे सकते हैं, एक्वामरीन या फिर एमिथेस्ट वेयर करना इनके लिए बहुत मुबारक होगा। और बाय मीन्स ऑफ पर्सनल विशेस क्या है, मतलब कारोबार से रिलेटेड या पर्सनल लाइफ से? पर्सनल विशेस जो भी इनकी कोई प्रपोजल, कोई मैरिज की प्लानिंग है, कोई इनकी ऐसी लाइकिंग, मोहब्बत, रोमांस वगैरह जिसमें ये सडन कोई कामयाबी चाह रहे हैं, तो उनकी तरफ से अगर इनको रिस्पांस नहीं मिल पा रहा तो कुछ टाइमिंग ऐसी होती है जो आपके लिए अच्छी नहीं होती, या उस वक्त आपके मामलात मैं समझता हूँ कि नहीं बन पा रहे होते हैं, या दूसरी तरफ से आपको रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा होता है, तो यकीनन इसमें कुछ ऐसे हिडन हैंड, कुछ बैड आइस प्रॉब्लम, कुछ ऐसी प्लैनेटरी पोजीशन का डिसबैलेंस होना भी शामिल होता है। तो उस वक्त वेट करना, सब्र करना आपके लिए अच्छा साबित होता है। तो आगे इंशाल्लाह अच्छा वक्त इक्वेरीज के लिए आ रहा है। जो भी इनकी पर्सनल विशेज है, कोई मोहब्बत चाहते, कोई प्रपोजल के हवाले से, तो जून के बाद की टाइमिंग इक्वेरीज के लिए भी अच्छी बन रही है। अभी हॉरोस्कोप की तरफ आएंगे लेकिन हमारे पास एक कॉलर है। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन और कहां से बात कर रहे हैं? मैं चौधरी नईम बात कर रहा हूं, रावलपिंडी से। जी चौधरी नईम, क्या पूछना चाहेंगे आप? मैं औलाद के सिलसिले में पूछना चाह रहा हूं। तकरीबन 5-6 साल हो गए मेरी शादी को, लेकिन अभी तक घर में कोई औलाद नहीं हुई मेरे पास। ठीक है जी, आप अपनी वालदा का नाम बताएं, अपनी डेट ऑफ बर्थ बताइएगा। मेरी डेट ऑफ बर्थ 8 अप्रैल 84 है। 8 अप्रैल 84। ठीक है जी। जी और आपकी वालदा का नाम? वालदा का नाम परवीन बीबी है। परवीन बीबी, ठीक है। और आपकी मिसेस का नाम? शगुफ्ता। शगुफ्ता, सही है। और उनकी डेट ऑफ बर्थ? 15 नवंबर 1986। ठीक है। और उनकी वालदा का नाम? यास्मीन। यास्मीन, ठीक है जी। थैंक यू फॉर कॉलिंग, अल्लाह हाफिज। जी
नहीं ही इज एरीज जिसे मुरीक बुर्ज हमल कहते हैं। इनका जोडिक साइन मार्स, लकी नंबर 9 एंड ट्यूजडे योर लकी डे। फिफ्थ हाउस को स्पेसिफिक रीड करेंगे क्योंकि ज़ाहिर है इसमें 12 हाउसेज होते हैं। कंप्लीट जायचा इसमें तो नहीं हम बता सकते, लेकिन ये कि आपका जो क्वेश्चन है जिसे हम बच्चों के हवाले से आपने औलाद के हवाले से पूछा है, फिफ्थ एंड सिक्स हाउस की पोजिशन थोड़ा सा इस वक्त वीक है, वेट करना होगा। नेचुरली तौर पर मैं समझता हूँ कि कुछ स्टार की पोजिशन आपकी डिसबैलेंस है, लेकिन ये कि यहाँ औलाद के हवाले से तो कुछ आजमाइश होती है अल्लाह ताला की। यकीनन एक टाइमिंग है हर चीज़ का, अल्लाह ताला ने एक वक्त मुकर्रर किया हुआ है आपकी शादी का, इसमें औलाद का, फिर आपके लाइफ पार्टनर का, फिर यकीनन आपकी रोज़ी और तरक्की और कामयाबी का। तो यकीनन औलाद अल्लाह ताला की देन है और मेरा ईमान है कि जब किसी भी वक्त अल्लाह ताला इसमें आपको अपनी रहमत अपनी नेमत से नवाज सकता है। कुरान पाक में वाज़ तौर पर अल्लाह ताला ने लिखा कि हम ही और बेटा देते हैं, हम ही बेटी देते हैं और हम ही इसमें जोड़ा देते हैं और हम ही जिसे चाहते हैं नहीं देते। तो यकीनन इसमें अल्लाह ताला की इसमें कुछ मसलियत होगी, लेकिन 2018 का फर्स्ट क्वार्टर आपके लिए मैं अच्छा देख रहा हूँ। ये साल यकीनन आपके लिए और आजमाइश का हो सकता है, लेकिन 2018 का फर्स्ट एंड सेकंड क्वार्टर नहीं आपके लिए अच्छा बन रहा है। उस वक्त मैं यकीनन उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला आपको अपनी नेमत से अपनी रहमत से ज़रूर नवाजेगा। इन बिटवीन कंटिन्यू सूरह मरियम, सूरह अलशूरा, सूरह अनाम की तिलावत करना आपके लिए आपकी मिसिस के लिए बहुत मुबारक रहेगा। स्पेसिफिकली अब मैं अपने उन बहन भाइयों के लिए कुछ ऐसे स्टोन्स के अंदर सजेस्ट करता हूँ जिसमें अल्लाह ताला ने कुछ ऐसे कीमियाई अज्जा रखे हैं जो औलाद के हवाले से मेरे वो बहन भाई जिनको थोड़ा सा कोई मेडिकली तौर पर कोई प्रॉब्लम होता है तो ये स्टोन उनको रूहानी पावर प्रोवाइड करके वो कमी पूरी कर देते हैं। तो आप अपने बर्थ स्टोन के साथ लेपिस लाजवर के साथ अगर छोटा सा पर्ल या फिर फिरोज़ा वेयर कर लेते हैं तो दोनों कॉम्बिनेशन आपके लिए बहुत मुबारक रहेगा। आपकी मिसिस स्कॉर्पियो है वो येलो टोपास के साथ संगे मरियम या फिर पर्ल वेयर कर सकती हैं, वो भी कंटिन्यूसली सूरह अलशूरा, सूरह अनाम, सूरह मरियम की तिलावत करें। इंशाल्लाह अल्लाह ताला की तरफ से यकीनन आपको खुशखबरी मिलेगी। बिल्कुल, और अल्लाह ताला किसी चीज़ में भी अगर देर करते हैं तो वो आपके लिए भलाई है। आई वॉज वॉचिंग दैट शो, एक मैं शो देख रही थी, वो पाकिस्तानी तो नहीं है, खैर यूरोप साइड का है, तो वहाँ एक पेरेंट्स ऐसे थे कि जिनको 10-11 साल तक जो है कोई औलाद ही नहीं हुई और इकट्ठे जो है उनको क्वाड्रपलेट्स हुए थे, मतलब चार बच्चे इकट्ठे हुए थे, चार बेटियाँ। तो आपको क्या पता अल्लाह ने आपके लिए क्या रखा है। अब चलेंगे स्कॉर्पियंस की तरफ और जानेंगे कि उनका हॉरोस्कोप क्या कह रहा है। जी स्कॉर्पियन जिसे मुरीख बुर्ज अक्रब कहते हैं, इनका जोडिक साइन मार्स, लकी नंबर इनका 9 एंड ट्यूजडे इनका लकी डे। वेल इनकी पोजीशन भी थोड़ा सा इस वक्त लक हाउस, इनका 9th एंड 10th हाउस वीक है। बाजू का आप बहुत ज़्यादा इसमें कामयाबी के लिए प्लान कर रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा आप हेल्प भी ले रहे होते हैं या फाइनेंशली तौर पे इन्वेस्टमेंट भी आपने ज़्यादा की होती है, लेकिन ये कि इनिशियल स्टेज में ही वो आपको कामयाबी नहीं मिलती, आप थोड़ा सा यकीन उस वक्त डिसहार्टेड हो जाते हैं। स्कॉर्पियन के लिए भी अनफॉर्चुनेटली इस वक्त ज़रा थोड़ा सा मुश्किल टाइम चल रहा है। इनके भी मैं समझता हूँ कि कुछ बनते बनते काम रुक रहे हैं, खुशियों में कामयाबियों में जो भी हर्डल्स आ रही हैं तो इन्हें भी वेट करना होगा। जून के बाद की टाइमिंग इनके लिए भी अच्छी बन रही है, बड़े जैकपॉट लगेंगे उस वक्त, बड़े अच्छे दोस्त इनको सपोर्ट कर सकेंगे। कुछ ऐसे स्टार वाटर साइन पर्सनैलिटी से रिलेटेड जिसमें पाइसिस एंड कैंसेरियन इनके लिए अच्छे इनके एडवाइज़र अच्छे बिजनेस पार्टनर साबित हो सकेंगे। जुलाई से लेकर फिर एंड ऑफ दिस ईयर तक दिसंबर तक की टाइमिंग स्कॉर्पियन के लिए बहुत अच्छी होगी। इन बिटवीन कंटिन्यूसली येलो कलर की जिनका सदका देना स्कॉर्पियन के लिए अच्छा होगा। येलो सफायर वेयर कर सकते हैं, येलो अकीक या फिर गोल्डन टोपास, तीनों में से कोई भी एक स्टोन वेयर करना इस वक्त स्कॉर्पियन के लिए अच्छा साबित होगा। मतलब हम ये कह सकते हैं कि क्योंकि आपने कोई भी साइन नहीं बताया फायर साइन से, तो फायर साइन अभी फिर भी तकरीबन जो है वो ज़्यादा स्टेबल हैं एज पर बाकी दूसरे साइन से। फायर साइन एंड एयर साइन, थोड़ा सा एयर साइन में भी कुछ लिब्रा एंड जेमिनाई की पोजीशन अच्छी है, जैसे इक्वेरीज का जरा भी टफ टाइम चल रहा है। ठीक है, आपसे एक और सवाल करूंगी लेकिन इस ब्रेक के बाद, वक्त हो जाता है छोटी सी ब्रेक का, कहीं वो जाइएगा, देखते रहें सितारों के अहवाल। वेलकम बैक नाज़रीन, आ चुके हैं छोटी सी ब्रेक से वापस और हमारे पास एक कॉलर भी हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी मोहम्मद राशिद बात कर रहा हूँ। जी कहाँ से बात कर रहे हैं? गोटकी से। गोटकी से बात कर रहे हैं, यही कहा ना इन्होंने, इनकी आवाज़ सही नहीं। हाँ ठीक है जी, क्या पूछना चाहेंगे आप? पूछना ये था कि इसमें कारोबार कोई भी करता हूँ तो उसमें नुकसान होता है, 2-3 कारोबार किए, मतलब एक तो कपड़े का काम किया, उसके बाद से जनरल स्टोर बनाया था, तो मतलब नुकसान बहुत होता है। और ये कितने साल से हो रहा है? पूछना था कि
कौन जी? कितने सालों से आपका मतलब ये नुकसान ही हो रहा है बिजनेस में? तकरीबन 5-6 साल से यही नुकसान हो रहा है, तो अभी वैसे ये पूछना था कि कौन सा कारोबार करूँ, कौन सा बिजनेस करूँ मेरे लिए बेहतर रहेगा। ठीक है, अपनी वालदा का नाम बता दे, अपनी डेट ऑफ बर्थ बताइएगा। मेरी वालदा का नाम मरियम है, डेट ऑफ बर्थ है 2 दिसंबर 1986। ठीक है जी, 2 दिसंबर 1986 पता नहीं 86 को कहते हैं 86, आई एम वेरी बैड विद ये उर्दू की जो गिनतियाँ होती हैं जी। थैंक यू फॉर कॉलिंग, अल्लाह हाफिज़। जब भी मेरे सामने कोई उर्दू में 86-80 थोड़ा थोड़ा पता है, बीच में मैं भूल जाती हूँ हमेशा, 30 के बाद हमेशा मुझसे गलती रही है, तो माजरत अगर कोई ये समझे कि 86 जैसे कभी, वैसे तो बड़ा कम खुद जाके शॉपिंग करती हूँ, अगर वो कहते हैं ना इतने हुए तो मैं कहती हूँ इसका मतलब, वो फिर इंग्लिश में मुझे बताते हैं कि अच्छा ये हुआ। आप बताइएगा कि इनको ये कौन सा बिजनेस इनके लिए सूटेबल है। राशिद मेडी ब्रदर, यू बिलोंग्स टू सेक्रेटरीज जिसे मुश्तरी बुर्ज कॉस कहते हैं, आपका जॉडिक साइन जुपिटर, लकी नंबर आपका 7 एंड सैटरडे योर लकी डे। लक हाउस की पोजीशन अच्छी है, 10th हाउस आपका अच्छा है, बट आई डोंट नो क्योंकि आप फेलियर क्यों फेलियर आप हो रहे हैं, हालांकि मैं समझता हूँ कि आपको इस वक्त बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन पर होना चाहिए, आप जो भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, बट आई डोंट नो कि आप किस फील्ड में किस चीज़ में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, लेकिन स्पेसिफिकली जो आपका हॉरोस्कोप जो आपको जायचा बता रहा है, तो इस ये फील्ड प्रॉपर्टी का, क्लॉथ का, फर्नीचर का, गारमेंट्स का, ये बिजनेस आपके लिए बेस्ट साबित होगा। गारमेंट का तो इन्होंने किया है, इन्होंने फिर एक स्टोर भी खोला है, कह रहे हैं उसमें भी नुकसान है, बट आई डोंट नो, लेकिन यहाँ पर मैं समझता हूँ कि इस वक्त इनके स्टार की पोजीशन अच्छी है, बाज़ूकात मे बी पॉसिबल कुछ बैड आइज प्रॉब्लम या नज़र बद का सामना करना पड़ सकता है आपको, या कुछ चीज़ें ऐसी निकल रही, कुछ ऐसे हिडन हैंड, कुछ बैड आइज प्रॉब्लम आपके साथ चल रही है, लेकिन नेचुरली तौर पर आपकी प्लेनेटरी पोजिशन बहुत अच्छी है। सदका खैरात करें, मे बी पॉसिबल जब आप कोई नया कारोबार करते हैं या कोई भी आप बिज़नेस स्टार्ट करते हैं, तो उस वक्त अगर आप इसमें घर में अपने ऑफिस में कुरान खानी करवा लेते हैं या सदका खैरात करते हैं, तो यकीनन मैं समझता हूँ कि उस जगह पर बरकत आ जाती है। तो कुछ ऐसे नहुसत के स्टार के कुछ ऐसे हिडन हैंड प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, कुछ बैडाइज प्रॉब्लम आपके साथ चल रही हैं, इंशाल्लाह मैं समझता हूँ कि आप सदका खैरात करें, अपना बर्थ स्टोन वेयर कर सकते हैं, मून स्टोन या फिर फिरोज़ा, ये फिजिकली तौर पे आपको स्पिरिचुअल पावर प्रोवाइड करेगा। सूरह वाकिया की तिलावत डेली आप खुद करें, सूरह वल्लसर, सूरह कुरैश, सूरह रहमान की तिलावत करना आपके लिए अच्छा साबित होगा। इंशाल्लाह जो भी इस वक्त प्रॉब्लम में आप चल रहे हैं फाइनेंशियल प्रॉब्लम में, तो अल्लाह ने चाहा तो आपके रास्ते आसानी से खुलना शुरू हो जाएंगे और कुदरत की तरफ से आपको अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ मिलना शुरू हो जाएंगे इंशाल्लाह जी। ब्रेक पर जाने से पहले बात हो रही थी कि कौन से ऐसे बता रहे हैं जो थोड़ी सी मुश्किलात का शिकार हैं, आपने बताया कि जून जुलाई के बाद, या फिर कुछ अरसे से मैं नोट भी कर रही हूँ कि आप बताते हैं कि जिनकी पोजीशन थोड़ी सी डाउन जा रही है उनकी जून जुलाई के बाद बेहतर होगी, उनकी कंडीशन जो है सितारों की या जो भी उनके लिए बेहतरियाँ होगी, तो क्या ऐसा कुछ मेजर चेंज आएगा सितारों की पोजीशन में कि जिसकी वजह से ये तमाम नहुसत के असरात हट जाएंगे? बिल्कुल, स्पेसिफिकली एयर साइन, वाटर साइन एंड अर्थ साइन कुछ ऐसे स्टार्स हैं जिनकी पोजीशन जून के बाद अच्छी बनेगी, उस वक्त इनके जो भी पर्सनल मैटर हैं, जो भी इनकी प्लानिंग्स हैं अपने कैरियर को, अपने फ्यूचर को ब्राइट करने के हवाले से, स्पेसिफिकली इक्वेरीस एंड स्कॉर्पियो कैप्रिकॉर्न, इनको काफ़ी फ़ायदा होगा, बड़े प्रोजेक्ट पर काम कर सकेंगे, बड़ी डील कर सकेंगे, बड़े कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकेंगे, उस वक्त जो भी इनकी पर्सनल विशेज होंगी वो पूरी होंगी। ग्रेजुअली इनकी प्लैनेटरी पोजीशन अच्छी बन रही है, लेकिन इस वक्त मैं समझता हूँ कि इन्हें वेट करना होगा जून के बाद, अगर ये कोई ट्रैवलिंग करने जा रहे हैं, कोई जॉब के हवाले से, कोई बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से अब्रॉड जा रहे हैं, या कोई भी कोई प्रॉपर्टी की कोई डील करने जा रहे हैं, तो डेफिनेटली इनकी टाइमिंग इस वक्त थोड़ा सा टफ टाइम है, लेकिन ग्रेजुअली इनकी प्लैनेटरी पोजीशन अच्छी आगे बढ़ रही है, तो थोड़ा वेट करना इनके लिए अच्छा साबित होगा, जून से लेकर फिर दिसंबर तक इनकी टाइमिंग बहुत अच्छी रहेगी। ठीक है जी, एक कॉलर भी हमारे साथ है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी, कॉलर कहाँ से बात कर रही है? मैं रावलपिंडी से बात कर रही हूँ। दोबारा बताइएगा अपना नाम। ईशा बात कर रही हूँ रावलपिंडी से जी। क्या पूछना चाहेंगी आप? मैं अपने और अपने हस्बैंड के बारे में पूछना चाह रही हूँ। हमारी शादी को 4 साल हो गए हैं। ठीक है, तो मतलब कि अंडरस्टैंडिंग अच्छी नहीं होती, लड़ाई झगड़े होते हैं। मैं ससुराल के साथ कंबाइन फैमिली नहीं है, हम लोग सेपरेट रहते हैं, लेकिन फिर भी औलाद नहीं है हमारी। दो मसाइल है, एक आपकी बनती नहीं है और दूसरा जो है वो आपको औलाद भी नहीं है। इसकी वजह से नहीं बनती, वो कह रहे हैं कि मैं सेकंड मैरिज करना चाह रहा हूँ। आपकी लव मैरिज थी या अरेंज मैरिज थी? अरेंज मैरिज। ठीक है जी, कोई मसला नहीं है। ईशा, आप अपनी वालदा का नाम बताए, अपनी डेट ऑफ बर्थ बताए। वालदा का नाम सुगरा है। सुगरा, ठीक है। और मेरी डेट ऑफ बर्थ है 2 मार्च 1990। 2 मार्च 1990। और आपके हस्बैंड का नाम, उनकी वालदा का नाम और उनकी डेट ऑफ बर्थ? ओके, हस्बैंड का नाम वकास है। वकास, ठीक है। और उनकी वालदा का नाम अमरीन और उनकी डेट ऑफ बर्थ है 21 मार्च 1986।
21st मार्च 1986 ठीक है जी, प्लीज बता दें क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, देखते हैं आपके लिए क्या हम गाइडलाइन दे सकते हैं, बाकी सब कुछ तो अल्लाह ताला के हाथ में ही है। थैंक यू फॉर कॉलिंग, अल्लाह हाफिज़। जी ईशा, माय डियर सिस्टर, यू बिलोंग टू पाइसेस मुश्तरी, जिसे बुरजहूद कहते हैं। आपका जोडिक साइन जुपिटर, लकी नंबर आपका 5 एंड मंडे योर लकी डे। फिफ्थ हाउस की पोजीशन इस वक्त थोड़ा वीक है, नेचुरली तौर पे यकीन कुछ प्लैनेटरी पोजीशन भी थोड़ा सा डिसबैलेंस है। जो भी आपका स्पेसिफिक क्वेश्चन है कि औलाद के हवाले से और आपके हस्बैंड सेकेंड मैरिज कर रहे हैं, यकीन आपके अगर हम कंपैटिबिलिटी देखते हैं तो जब आपके स्टार की पोजीशन ही बिल्कुल अपोजिट हो, वाटर एंड फायर साइन पर्सनैलिटी के दोनों मालिक हैं, यकीनन म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग आपकी नहीं बन पा रही। और मैं समझता हूँ कि औलाद को इशू नहीं बनाना चाहिए, मे बी पॉसिबल अगर आपके हस्बैंड सेकंड मैरिज करते हैं वकास साहब, ही इज एरीज, जिसे मुरीक बुरझमल कहते हैं, अगर हम उनकी जायचे की पोजीशन देखते हैं, उनका भी फिफ्थ हाउस इस वक्त वीक है। और यकीनन अभी मैंने बताया था कि औलाद अल्लाह ताला की देन है, बाज़ औक़ात यकीनन इसमें कुछ बेहतरी होती है या कुछ अल्लाह ताला की तरफ से कुछ टाइमिंग मुकर्रर की होती है, रिस्क की, कारोबार की, सफ़र की, औलाद की, तो वेट करना चाहिए। 2017 का एंड आपके लिए अच्छा बन रहा है, यकीन अल्लाह ताला आपकी गोद हरी करेगा। इन बिटवीन कंटिन्यूसली चारों दालों का सदका देना आपके लिए बहुत मुबारक रहेगा। सूरह मरियम, सूरह अल शूरा, सूरह अनाम की तिलावत करना आपके लिए, आपके हस्बैंड के लिए अच्छा साबित होगा। यहाँ पर आपके हस्बैंड की, मैं खैर सेकेंड मैरिज तो मैं इस साल नहीं देख रहा, और इसी साल के एंड तक अगर अल्लाह ताला आपकी यकीन गोद हरी ज़रूर करेगा तो उनके वो अपना माइंड, अपना फ़ैसला यकीन इसमें चेंज कर लेंगे। और वैसे भी उनके जायचे की पोजीशन इस वक्त 9th एंड 10th हाउस में अच्छी है, अपने कारोबार की तरफ ज़्यादातर तवज्जो दें क्योंकि यहाँ पे अल्लाह ताला की तरफ से उनको अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिल रहे हैं, कारोबार में तरक्की कामयाबियाँ हासिल कर रहे हैं। इंशाल्लाह एंड ऑफ दिस ईयर तक यकीनन अपने कारोबार के हवाले से, औलाद के हवाले से अल्लाह ताला उनको ज़रूर खुशखबरी सुनाएगा। ठीक है जी, हमारे पास मैसेज भी है, इनका नाम है मदीहा रहमान, इनकी डेट ऑफ बर्थ है 6 मई 1991, इनकी वालदा का नाम है सईदा अजीज। मसला इनका है शादी का कि कब तक होगी, तो आपको स्टोन और कोई वजीफा बता दें। मदिया शीज टॉरस, जिसम जोरा बुज सौर कहते हैं, इनका जोड़िक साइन वीनस, लकी नंबर इनका 6 एंड फ्राइडेंट का लकी नेम 7th हाउस की पोजीशन अच्छी बन रही है, थोड़ा वेट करना होगा। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर इसी साल का थर्ड क्वार्टर बहुत अच्छा बन रहा है मदिया आपके लिए। कुछ अच्छे स्टार आपकी ज़िंदगी में अच्छी चेंजिंग लेके आ सकते हैं, ख़ासतौर पर अर्थ साइन पर्सनैलिटी जिसमें वर्गो एंड कैप्रिकॉन से आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। सूरह निसा, सूरह यूसुफ की तिलावत करना आपके लिए बहुत मुबारक रहेगा। ग्रीन एमरल्ड आपका बर्थ स्टोन है, लेकिन स्पेसिफिकली मैं अपने उन बहन भाइयों के लिए सुर्ख याकूत सजेस्ट करता हूँ, जब उनके कोई प्रपोजल प्रॉब्लम हो या उनके रिश्ते बैक हो रहे हों या उनके खुशियों और कामयाबियों में ज़्यादा हर्डल्स कोई भी पर्सन क्रिएट कर रहा हो, तो आप अपने बर्थ स्टोन के साथ एमरल्ड के साथ छोटा सा रूबी भी वेयर कर सकती हैं, बल्कि अगर आप दो सदके देती हैं रेड एंड ग्रीन चीज़ का तो आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। ठीक है जी, हमारे पास एक कॉलर भी है। अस्सलाम वालेकुम। जी सलाम। वालेकुम अस्सलाम। कॉलर कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मोहम्मद यूसुफ बात कर रहा हूँ, लाहौर से। जी मोहम्मद यूसुफ साहब, आप ये बताएं कि आप क्या पूछना चाहेंगे? जी मुझे अपनी जॉब के सिलसिले में पूछना था अली भाई से। अली भाई, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 10 दिसंबर 1987। ठीक है, आपकी वालदा का नाम? मुबीना बीबी। ठीक है, मेरी जॉब लगती है मुबीना, नहीं मुगीना, राइट? जी मुबीना बीबी, मुबीना मुबीना। मेरी अली भाई जॉब लगती है 2-3 महीने बाद खत्म हो जाती है, छूट जाती है। ठीक है, तो मुझे पूछना, मेरी परमानेंट जॉब लगती नहीं है, तो मेरे स्टोन कौन सा बनता है और क्या ऐसी प्रॉब्लम्स है जिसकी वजह से मेरी जॉब मतलब होते होते खत्म हो जाती है और लगती है तो ज्यादा लंबा नहीं चलती। ठीक है, अगर आपके जायचे में ये निकला कि आप बिजनेस की तरफ स्विच कर जाएं इंस्टेड ऑफ कोई जॉब, तो आप उस चीज को, अगर मैं सुन रहा हूँ टीवी पे अली भाई जो बताएंगे फिर मैं उसको फॉलो करता हूँ। ठीक है जी, थैंक यू फॉर कॉलिंग, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ जी। मोहम्मद यूसुफ इज सेक्रेटरी मुश्तरी बुर्ज कॉस से बिलोंग कर रहे हैं, इनका जोड़ी साइन जुपिटर, लकी नंबर इनका 6 एंड मंडे इनका लकी डे लक हाउस एंड 10th हाउस की पोजीशन अच्छी है। मैं समझता हूँ कि जॉब में आप एडजस्ट नहीं होंगे, अगर आप कहीं भी जॉब करेंगे तो आप फायर साइन पर्सनैलिटी के मालिक हैं, अपनी मर्जी से आप काम करने के आदी हैं, क्योंकि आपको अगर कोई भी क्रिटिसाइज़ करेगा या कोई तनकीद करेगा या कोई बाई फोर्स आपसे कोई काम लेने की कोशिश करेगा तो आप, मैं समझता हूँ कि उसकी बात को एक्सेप्ट नहीं करेंगे और यकीनन
यही सिचुएशन आपके साथ चल रही होगी। बिजनेस करना आपके लिए अच्छा साबित होगा, फूड आइटम में या फिर क्लॉथ का बिजनेस, दोनों में से कोई भी अगर आप कारोबार करते हैं तो आपके लिए ये टाइमिंग अच्छी है। 10th एंड 11th हाउस की पोजिशन अच्छी है, अच्छे दोस्तों को अपने करीब लेके आ सकते हैं, उनसे एडवाइस ले सकते हैं। अगर कोई एरीज या ल्यूज कोई पर्सनैलिटी आपके फ्रेंड्स में है तो डेफिनेटली आप इनको अपना बिजनेस पार्टनर बना सकते हैं। फिरोजा या फिर मूनस्टोन जिसे हम हिजरुल कमर कहते हैं, दोनों में से कोई भी एक स्टोन पहनना आपके लिए इंतहाई मुबारक रहेगा। वाइट चीज़ों का सदका ज़्यादा से ज़्यादा देते रहें, ज़्यादा से ज़्यादा सूरह वाकया, सूरह मुल्क एंड सूरह मुजम्मिल की तिलावत करना आपके लिए इस वक्त बहुत मुफीद होगा और बायस बरकत होगा। इससे पहले जो हमने मैसेज रीड किया उनका जायचा, आपने बताया कि रेड चीज़ें, जैसे मैंने स्टार्ट में कहा था कि हम कोशिश करेंगे कि आपको कलर्स का इम्पैक्ट भी बताएं कि जो इंसान की जो भी आपकी पोजिशन है या स्टार की पोजिशन है उस पर क्या इम्पैक्ट करता है, आपकी सिचुएशन को किस तरह से डील कर सकते हैं आप कलर्स से। तो रेड चीज़ों का जो सदका है या रेड चीज़ों का इस्तेमाल है वो शादी में किस तरह से हेल्प आउट करता है? कलर का इंसान के मिजाज पर, इंसान के माइंड पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है, क्योंकि कलर जो वो आपका फेवरेट कलर जब आप वेयर करते हैं तो फिजिकली तौर पर आप अपने आप को फ्रेश फील करते हैं। यकीनन कलर का आपकी बॉडी पर, आपके मिजाज पर, आपके माइंड पर बहुत अच्छा इसका असर होता है। और फिर हर स्टार का एक लकी कलर होता है, लकी स्टोन होता है। रेड चीज़ों का सदका रेड खास तौर पर एरीज के लिए मैं ज़्यादा सजेस्ट करता हूँ, एलियोस के लिए इसमें, क्योंकि ये एक तो फिज़िकली तौर पे आपको एनर्जेटिक रखता है। रेड कलर एनर्जी की अलामत है, आपको फिज़िकली तौर पे ये इसमें आपकी पावर बढ़ाता है, आपकी माइंड पावर बढ़ाता है, फिज़िकली तौर पे आपको एक्टिव रखता है। फिर स्पेसिफिकली मैरिज पॉइंट ऑफ व्यू से मैं अपने उन बहन भाइयों के लिए सजेस्ट करता हूँ सुर्ख याकूत और सुर्ख रंग का सदका। रिश्तों के हवाले से जब आपके साथ कुछ ऐसे पर्सनल प्रॉब्लम चल रहे हों, आपकी विशेस के इनकम्प्लीट होने की वजह से आपको कामयाबी ना मिल रही हो, या आपकी ऐसी ख्वाहिशात बैक हो रही हो, या आपके प्रपोजल बैक हो रहे हो, या आपको इन लॉज में प्रॉब्लम हो रहा हो, या आपको हस्बैंड की तरफ से वो इंपॉर्टेंस ना मिल रही हो, तो फिर रेड चीज़ का सदका देना उस वक्त बहुत मुफीद साबित होता है। ठीक है जी, हमारे पास एक कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन और कहां से बात कर रहे हैं? जी मैं वसीम बात कर रहा हूं हैदराबाद से। जी वसीम साहब, क्या पूछना चाहेंगे आप? अपने बारे में पूछना चाह रहा हूं अली साहब से। जी जी पूछिए। डेट ऑफ बर्थ 1st अप्रैल 1988। 1st अप्रैल 1988। और आपकी वालदा का नाम? शमीम। ठीक है, पता नहीं लाइंस में क्या मसला है, सुनर लेटर जो है मुझे वाकई जो है कोई मैसेज आएगा कि जी जो आपकी होस्ट है इनको इनकी हेयरिंग इशू है काफ़ी ज़्यादा, तो यहाँ लाइंस का इशू होता है इसलिए मुझे नाम ही सही सुनाई नहीं दे रहा। ठीक है, आप क्या पूछना चाहेंगे, आपका मसला क्या है? अली भाई से ये पूछना था कि 3-4 बिजनेस कर चुका हूँ मैं, ठीक है, कैटेगरी के, लेकिन किसी भी काम में कामयाबी नहीं होती है, हर काम में कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाती है। ठीक है, और बिजनेसेस जो आपने किए वो कौन कौन से बिजनेसेस हैं? जैसे जनरल स्टोर का है, गार्मेंट्स का है, ये सारी चीजें मैंने कभी अच्छा ना मिली, लेकिन उसमें बेहतरी शुरू में तो नजर आती है, लेकिन वो काम अच्छी से खत्म हो जाता है। ठीक है, आपने जो इंडिविजुअली किया है या पार्टनरशिप में किया था बिजनेस? नहीं, इंडिविजुअली तौर पर जो भी कर रहे हैं, और अभी भी जो करना चाह रहा हूँ इंडिविजुअली तौर पर ही, लेकिन उससे भी कोई ना कोई रुकावट आ जाती है। ठीक है जी, थैंक यू फॉर कॉलिंग। हम पता करते हैं कि आपके जायचे के हिसाब से आपके लिए क्या बेहतर हो सकता है, बाकी सब कुछ तो अल्लाह ताला की जात के हाथ में है। ठीक है, अल्लाह हाफिज़। जी वसीम, माई डी ब्रदर, यू बिलोंग्स टू एरीस मुरीख जिसे बुर्ज हमल कहते हैं। फायर साइन पर्सनैलिटी के मालिक होते हैं लोग, ज़िंदगी में बड़ी अच्छी चेंजिंग लेके आते हैं। स्टार्टिंग आपकी अच्छी यकीनन रही होगी, जो भी आप बिजनेस कर रहे हैं उसमें कंसंट्रेशन की ज़रूरत है, तवज्जो की ज़रूरत है। यकीनन आप शुरुआत बहुत एनर्जी के साथ करते होंगे, दरमियान में आपकी जो एनर्जी है वो डल लेज़ी आप होना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से फिर वो आपको वो कामयाबी नहीं मिल पाती, या वो आप तवज्जो नहीं दे पाते, जिसकी वजह से फिर आपको फाइनेंशली तौर पे प्रॉब्लम का शिकार आप हो जाते हैं। तो यहाँ पर इसमें अगर हम आपका 10th हाउस की पोजीशन देखते हैं तो इस वक्त थोड़ा इस वक्त वीक है, कंसंट्रेशन की जरूरत है अपने माइंड को, जो भी आपने कुछ दूसरी तरफ डाइवर्ट कर रखा है ज़हनी तौर पे, यकीनन कुछ ऐसे इश्यूज आपके साथ चल रहे होंगे, या तो फैमिली में कुछ ऐसे इश्यूज़ होंगे जिससे आप माइंडली तौर पर थोड़ा सा इस वक्त डिस्टर्ब है, उस प्रॉब्लम को, उस इश्यूज़ को माइंड से आपको निकालना होगा। अपने कारोबार की तरफ ध्यान दें, कुछ अच्छे दोस्तों से एडवाइस लेना आपके लिए बहुत मुफीद साबित होगा, खास तौर पर फायर साइन पर्सनैलिटी जिसमें सेगिटेरियस एंड ल्यूज से अगर आप एडवाइस लेते हैं तो यकीनन ये आपको अच्छी एडवाइस देंगे। इस वक्त आपको रेड चीज़ का सदका देना बहुत मुबारक रहेगा। लेपिस लाजवर या फिर कोरल मरजान, दोनों में से कोई भी एक स्टोन वेयर करना आपको फिजिकली तौर पर ये स्टोन रूहानी पावर प्रोवाइड करेगा। सूरह वाकिया की तिलावत करना डेली मगरिब एंड इशा के दरमियान आपके लिए बहुत मुफीद साबित होगा।
ठीक है जी, अब चलेंगे हॉरोस्कोप की जानिब और जानेंगे कि एरीज की पोजीशन क्या है। जी ओवरऑल अगर हम देखते हैं कैटेगोरिकली एरीज की पोजीशन, तो जिसे मुरीक जिसे हम बुरजहमल कहते हैं, इनका जोडिक साइन मार्स, लक नंबर इनका 9 एंड ट्यूसडे इनका लकी डे है। इनका लक हाउस एंड सेवंथ हाउस की पोजीशन अच्छी है, किस्मत के हवाले से मैं समझता हूँ कि ये साल इनके लिए बड़ा मुबारक रहेगा। बड़ी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, खास तौर पर प्रॉपर्टी में या क्लॉथ का कारोबार करना या कोई भी ज़रात या अजनास का कारोबार करना इनके लिए अच्छा साबित होगा। सेवंथ हाउस मोहब्बत, चाहत, प्रपोजल, शादी के हवाले से ये साल इनके लिए बड़ा बेस्ट साबित होगा। अपनी विशेष के मुताबिक आगे अपने लाइफ पार्टनर को चूज़ कर सकेंगे। कहीं भी अगर ये प्रपोजल भेजते हैं तो इनको डेफिनेटली 80-90% मैं समझता हूँ कि दूसरी साइड से अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। ख़ास तौर पर वो साइन जो इनकी ज़िंदगी में बड़ी तब्दीली लेके आ सकते हैं, जो इनके अच्छे लाइफ पार्टनर बन सकते हैं, जो उनकी खुशियों और कामयाबियों को और ज़्यादा चार चांद लगा सकते हैं, तो उसमें फायर साइन पर्सनैलिटी में लियोज एंड सेगटेरियस से इनको काफ़ी फ़ायदा होगा। बैड एस्पेक्ट्स, बैड आइस प्रॉब्लम से, नज़रें बस से, बंदिश से सेफ रहने के लिए कॉरल इनको फिजिकली तौर पे बहुत सपोर्ट करेगा। रेड चीजों का सदका देना हर किस्म की नज़रें बद बंदिश से इनको सेफ रखेगा। कंटिन्यूसली एरीज सूर्य वल असर, सूर्य फील एंड सूर्य कुरेश की अगर ये कंटिन्यूसली तिलावत करते रहते हैं तो इनशाला इनके रास्तों में अल्लाह ताला की तरफ से और ज्यादा आसानियाँ पैदा होती रहेंगी। थैंक यू सो मच। इसी के साथ वक्त हुआ जाता है शो का खत्म। आपको पता है हॉरोस्कोप हम कंप्लीट नहीं कर सके, आज काफी ज्यादा कॉल्स थी, आपके मैसेज भी लेने होते हैं, तमाम चीजों को देखना होता है, तो माजरत कोई मसला नहीं, आने वाले शोज में हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। वो लोग जो चाहते हैं कि इंपर्सनल अली तबसुम साहब से मिलें, स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स को यूटिलाइज करें। शो का वक्त खत्म हुआ जा रहा है तो या इंशाल्लाह आपसे कोऑर्डिनेट करेंगे और आपसे मिलेंगे, आपको आपके मसले और जायचे के हिसाब से जो भी पॉसिबल होगा वो गाइडलाइन आपको देंगे। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और कोशिश कीजिएगा कि लोगों को मुस्कुराहट के साथ मिलें, क्योंकि ये वो तोहफा है जो हर किसी को अच्छा लगता है और हर कोई एक दूसरे को दे सकता है। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।